Pritam Rani Savach remembers the golden days of her 17-year hockey career. Under her leadership, even when she played as striker, Indian women's hockey soared to new heights. Now retired, she lives in Sonipat and runs her own academy. Pritam Rani believes she must give something back to the sport that made her what she is today. Retiring from hockey after the 2008 Olympic qualifiers, Pritam Rani had a number of choices. She could keep working for Indian Railways or simply give up the sport and look after her family. But she decided to launch her own hockey academy. देखियो मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मेरे को ये नहीं पता था कि बच्चे इतने टैलेंटेड होंगे, लेकिन जब मैंने 5-6 साल यहाँ पे काम किया तो अब मेरा टारगेट बन गया है कि मैं इंडिया के लिए हर साल 2 या 3 प्लेयर तैयार करूँ। अभी हमारी लड़की एकेडमी की 3 लड़कियाँ कैंप पे थी ओलंपिक क्वालिफाइंग की, अभी कैंप में भी है। हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैं इतनी कम सुविधाओं में भी इतने प्लेयर तैयार कर रही हूँ। Pritam understands what the academy needs and how she could focus the talent of the girls into one direction, training them to be good hockey players who could represent the nation. Future plan में ये है, मैं सरकार से या आप लोग के through तक बात पहुँचाना चाहती हूँ कि मुझे at least एक astroturf दे दीजिए ताकि मैं देश के लिए बच्चे तैयार करूँ अच्छे से अच्छे, क्योंकि मेरे अंदर जो जुनून है वो coaching का और वो मुझे बहुत शौक है। वो शौक तब पूरा होगा जब मुझे एस्ट्रोटर्फ मिलेगी। अब मैं घास में 1.5 घंटा लगी रहती हूँ, लेकिन एस्ट्रोटर्फ में आधा घंटा भी मुझे मिल जाएगा तो ये प्लेयर बहुत अच्छे तैयार हो सकते हैं। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, उनको सिर्फ सुविधाओं की कमी है। Pritam married Kuldeep Savach, who is also a hockey player for the Railways. Kuldeep says he never really encouraged Pritam about starting an academy, but he changed his mind when he saw the passion of the girls. पहले मैं गर्ल्स के बारे में इतना नहीं सोचता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करता था, इन बातों पे ध्यान नहीं देता, स्पोर्ट्स किया। लेकिन जब बाद में जुड़ा तो मुझे पता लगा, जैसे अब जागरूक हुए, सरकार भी कहती है लड़कियों के लिए करना चाहिए, तो मैंने लड़कियों से जुड़ के देखा कि उनके अंदर टैलेंट बहुत है, उनको मौके नहीं मिल पाते। और मुझे खुशी मिलती है कि जब वो खेलती हैं अच्छा लगता है, आज वो जो उनको कुछ मिल रहा है इंडिया टीम में, उनको ड्रेसअप हो के अच्छे से रह सकती हैं, जो कि हमारे समाज में अच्छे से अच्छा आदमी भी अपने बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं दे पा रहा है ग्राउंड में, जो हम उन बच्चों को दे पा रहे हैं इसके माध्यम से। पहली तो ये चीज़ है कि उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, यहाँ के कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। और मैंने प्रीतम का सपोर्ट इसलिए किया, उनके काम करने का बहुत जुनून था कि मैं ऐसा काम करूँ, उनकी सोच थी, मैंने उनके काम को देखते उनको सपोर्ट किया। नहीं, मैं हस्बैंड की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती थी, और जहाँ जिस मुकाम पर आज मैं पहुँची हूँ इनकी वजह से ही पहुँची हूँ। और मेरा ये मानना, हमारे समाज में लेडीज़ बोलते हैं किसी जेंट्स को कामयाब होने के पीछे किसी लेडीज़ का हाथ होता है, लेकिन मेरा ये मानना, मेरा इतना ऊपर तक पहुंचने के हाथ मेरे हस्बैंड का हाथ है। Pritam does not believe in putting her own kids under pressure when it comes to sport. They are free to choose whatever they want. मैंने उनको कभी मना नहीं किया, क्योंकि मेरा घर ग्राउंड के बहुत नज़दीक है और मेरे बच्चे 2-2, 2.5 महीने के थे तभी फील्ड में आना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। लेकिन मैंने कभी उन पर इंस्ट्रक्शन नहीं लगाई कि आपने स्पोर्ट्स नहीं करा। फिर भी मेरे बच्चों का इंटरेस्ट, जैसे बेटे का मेरे का स्विमिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैंने उनको बोला ठीक है स्विमिंग करो। टीम गेम को मैं ज़्यादा बेटर मानता हूँ इंडिविजुअल से, कि जो टीम गेम को मैंने खेला है हॉकी, एक इंजॉयफुल गेम, बहुत स्किल है, पासिंग है। आपने भी कभी एक टीम गेम देखी है, कभी एक इंडिविजुअल गेम, इंटरटेनमेंट ज़्यादा टीम गेम में है। टीम गेम में कम्बिनेशन करना पड़ता है, बहुत स्किल माइंडेड गेम हो जाता है, और इसमें पूरी टीम को मेंटेन करके एक भावना डेवलप होती है, सब इकट्ठे रहते हैं। टीम गेम में ज़्यादा इंटरटेनमेंट मानता हूँ मैं। मैं अपने बेटे को चाहता हूँ कि हॉकी खेले, क्योंकि हॉकी में जो एक नशा है मुझे लगता है कि वो है ना, और किसी गेम में नहीं। Her husband Kuldeep, however, believes that team sport is better than individual sport. इंडिविजुअल खेल हैं, कुछ खेल जो पॉपुलरिटी आ गई, उन्हें पैसा आ गया तो नाम है। आज हमारा पहले खेलते शौक के लिए, कोई भी गेम हमारा ग्रामीण खेल है, कोई भी कल्चर ऐसा था कि सब शौक के लिए खेलते, अब लोग पैसे के लिए खेलने लगे। The girls at Pritam's academy are happy with the training. Confidence is rising as they look forward to more facilities.
बहुत कुछ सीखा कि आगे जाके क्या क्या बनना है हमें, और डिसिप्लिन सब कुछ सीखा हमने यहाँ से। आगे जो कैंप में हमें मुसीबत नहीं होती, जो दीदी सिखा रखा वही कराते हैं वहाँ पे, तो हम अच्छी तरह कर लेते हैं, घबराहट नहीं होती। There are things that rankle Preetham about the way sports in India is structured. One of them is that women coaches are not given too much of an opportunity to train national sides. देखो पूरे वर्ल्ड में नहीं, आप साउथ अफ्रीका की टीम के साथ देखोगे तो लेडीज कोच थी अभी हाल ही में जो साउथ अफ्रीका टीम थी, पीछे 2002 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसमें इंग्लैंड में जो थी लेडीज कोच थी। ऐसा नहीं है, लेडीज भी हैं बाकी टीमों के साथ, लेकिन पता नहीं हमारे इंडिया में ऐसा क्यों समझते हैं भाई लेडीज ये काम नहीं कर सकती। ऐसा है नहीं, लेडीज बेटर कर सकती हैं, कि लेडीज ज़्यादा डिसिप्लिन रख सकती है टीम में और ज़्यादा लेडीज को जान सकते हैं। और इनका ये कहना कि भाई लेडीज काम नहीं कर सकती, आप जेंट्स को साथ में लगा दीजिए, सपोर्टिंग स्टाफ में लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं है, लेडीज काम कर सकती है, अगर जो उनको मौका दिया जाए तो लेडीज भी कर सकती हैं। लेडीज घर को चलाती हैं, हमारी राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल है वो भी लेडीज हैं, तो ऐसा नहीं है, मौका देंगे तो लेडीज भी चला सकती है। द फॉर्मर इंडियन कैप्टन डज बिलीव दैट ऑफिस वर्क इज नॉट फॉर हर। She works for the railways but wants to be a full-time coach. Federation में मेरा शौक फील्ड पे काम करना, क्योंकि एक मैं प्लेयर नहीं हूँ और मेरा ये मानना है बहुत कम होता है जो खिलाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं, वहाँ पे नॉन स्पोर्ट्स ही कर सकता है। मेरे पास वो टैलेंट है जो मैं सिखा सकती हूँ बच्चों को, एटलीस्ट मैं वहाँ पे अपने बच्चों को जो मन में आता है या जो मेरी इच्छा है मैं उनको सिखा तो सकती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में मैं ये सब नहीं कर सकती। There are moments when Preetham does feel the futility of working without recognition. But those moments, she admits, are only fleeting. When she sees the girls at the academy, she understands the meaning of what she is trying to create. मेरे को बहुत difficulty होती है, कई बार मैं शाम को जब बेड पे जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतना वर्क क्यों कर रही हूँ, भाई ऐसा तो नहीं है मैंने लाइफ में सब अवार्ड ले लिए हॉकी से। फिर मैं सोचती हूँ कि जितने बच्चे एकेडमी में आते हैं शायद वो मेरा इंतज़ार करते हैं, भगवान ने ये जॉब मुझे तभी दिया मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज बहुत अर्जुन अवार्डी हैं और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई इस फील्ड में वर्क नहीं कर रहा, भगवान ने मुझे सेवा करने का मौका दिया कि भाई आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप अच्छे प्लेयर तैयार करो, तो इसी को सोचते हुए मैं लगी रहती हूँ। Lack of facilities bother Preetham Rani at her academy and at the grassroots level across the country. She believes that without adequate infrastructure, nothing can be sustained. जब हम बाहर जाते थे तो हमने देखा, हम लोग 10 साल पहले भी जब बाहर गए हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं थी जो हमें आज मिल रही हैं। फैसिलिटीज़ तो टाइम के अकॉर्डिंग अब काफ़ी बढ़ी हैं, पहले के अकॉर्डिंग ये नहीं कह सकते हम फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ी या प्लेयर्स को पैसा नहीं मिलता या उनको जो सुविधाएँ वो नहीं मिलती, मिलती हैं। लेकिन जब मैं कैप्टन थी मेरा ये मानना था, जब मैं प्लेयर थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं अब जब कोच हो गई मुझे बहुत सारी टेंशनें हो गई, पता नहीं मुझे किस टाइप की टेंशनें हैं, क्या चाहती हूँ मैं, कैसे प्लेयर बनाना चाहती हूँ, अपने जैसे तैयार करना चाहती हूँ, वो सब की टेंशनें मुझे बहुत ज़्यादा हैं। जब हम 98 में कैप्टन थे, जब हमें 15 साल के बाद हम लोगों ने सिल्वर मेडल लिया था, तो हम लोग को इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन आज के अकॉर्डिंग तब हमें फाइनेंशली इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिला था और इतना ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं मिला था, हम उसी में खुश थे कि 15 साल बाद हमें मेडल मिला। तो जबकि अकॉर्डिंग काफ़ी सुविधाएँ बढ़ी भी हैं प्लेयर्स के लिए, जबकि मेरा ये मानना है कि जो सुविधाएँ हैं वो ग्रास रूट पर ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे अब मैं अकेडमी चलाती हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत कम सुविधाएँ हैं, मैं सोचती हूँ यहाँ पे बच्चे जो हैं एस्ट्रोटर्फ चाहिए मेरे को यहाँ पे खेलने के लिए, और बहुत गरीब घरों से बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मुझे सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल नहीं हैं। Retirement from the game has never been easy for top players, not even for Preetham, who still nurses a grievance against the federation. But probably time has been a big healer. मेरा विमेंस में जो है सबसे लंबा कैरियर हॉकी में रहा है, क्योंकि मैं 17 इयर्स इंडिया टीम से खेली हूँ, और मेरा ये मानना लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखाया। और है रिटायरमेंट की बात, मैंने रिटायरमेंट ली नहीं, लेकिन अपने हिंदुस्तान में रिटायर कर देते हैं प्लेयर्स को, उसका यूज़ नहीं करते भाई किस टाइम कब करना, लेकिन मुझे अब अच्छा लगता है क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद भी प्लेयरों को तैयार कर रही हूँ। अब मेरा सपना ये है कि मैं प्लेयर अच्छे अच्छे तैयार करूँ।
Pritam remembers her playing days, especially the 1998 Asian Games match against Japan, when they couldn't afford to lose. At stake was a place in the final. जब हमारी 98 की जो एशियन गेम्स की तैयारी थी, मैं आपको फैक्टली बताती हूँ, उसमें हमारी तैयारी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हम लोग ये सोच के गए थे कि हमें मेडल लेना है। उस समय में मेडल की भूख थी और हमें ये नहीं पता था वो मेडल मिलेगा कैसे, लेकिन हम लोगों ने जो ग्राउंड में फील्ड में इतनी मेहनत की थी उस टीम ने, जो 98 की टीम थी, और कोच ने भी इतनी मेहनत की थी, हमें पता था हमें मेडल मिलेगा। लेकिन जब हमारा मैच जापान के साथ सेमीफाइनल में जब हमारा फंस गया मैच, तो हम लोग, मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि मेरी कैप्टनशिप थी। लेकिन एक मोमेंट हमारी ऐसी आई थी जो कि हम लोगों से जापान एक गोल से जीता हुआ था और ड्रॉ होने पे हम लोग फाइनल में पहुंच गए थे उस मैच में। और लास्ट के 5 मिनट में लास्ट बॉल आई थी जिस पे मतलब हमारा ये था कि या तो गोल हो गया नहीं तो हम आज मैच हार जाएंगे, और वो क्रॉस आया और वो जो है बॉल कनेक्ट हुआ और अंदर चले गए और हम लोग ड्रॉ हो गए, और 2 मिनट बाद ही मैच की विसल बज गई और हम लोगों ने फाइनल मैच के लिए जो क्वालिफाई कर लिया। मतलब एटलीस्ट हम लोग सिल्वर मेडल के हकदार उस टाइम हो गए थे। फाइनल अभी हमारे सामने था, फाइनल में हमने लूज़ किया है, अच्छा मैच खेला था, 2-1 से ही लूज़ किया था, लेकिन सेमीफाइनल जो मैच है हमारे लिए बहुत क्रूशियल था। In 17 years of representing the country, Pritam feels the 1998 team was the best she has played with and seen. 98 के बाद ऐसा मैंने टीम वर्क कहीं नहीं देखा जो 98 की टीम थी। खेलने में भी इतना ही एक साथ रहते थे और टीम वर्क भी बहुत अच्छा था, और कोच को तो कभी ये नहीं पता लग जाता कि हमारी टीम में क्या बात होती है क्या नहीं, हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेते थे कि हम 5-6 लड़कियां सीनियर्स, इतनी मतलब टीम के प्रति इतना वो था हमारा जज्बा कि हम जो भी प्रॉब्लम्स होती थी हमारी गेम्स वाइज या रूम्स में लड़कियों की बहुत प्रॉब्लम्स होती खुद सोल्व करते थे, तो इसलिए टीम यूनिटी बहुत ज़्यादा थी हमारी। जब तक टीम यूनिटी नहीं होती आप कहीं रिजल्ट नहीं दे सकते, आपके पास जितने मर्जी अच्छे खिलाड़ी। इन रीसेंट ईयर्स प्रीतम फील्स दैट द लेवल ऑफ टैलेंट इमर्जिंग इज मच बेटर, बट शी इज ऑनेस्ट एनफ टू एडमिट दैट मोस्ट यंगस्टर्स आर टेकिंग शॉर्टकट्स टू सक्सेस। देखो अभी मैं 2007 में जो 8 में खेल के आई हूँ, मैंने देखा है टीम काफ़ी टीम अच्छी है, लड़कियाँ पहले से अकॉर्डिंग काफ़ी टैलेंटेड है। हमारे बैच में टैलेंट कम था, मेहनत ज़्यादा करती थी लड़कियाँ। आज के टाइम में टैलेंट ज़्यादा है, शॉर्टकट ज़्यादा चलती हैं लड़कियाँ। शॉर्टकट से मतलब जैसे कि अब मैं कोच हूँ, मैं टीम को कोचिंग कर रही हूँ। हो सकता है हर कोच का अलग अलग तरीका होता कोचिंग करने का, कोई डांट के सिखाता, कोई प्यार से सिखाता, तो आजकल के जो प्लेयर है वो सुनते नहीं है। कोच जब बोलता है, मान लो उनको डांट भी रहा है या ज़्यादा हार्ड वर्क करा रहा है, तो वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं कि हमें टीम में रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो फिर क्या करती हैं, डायरेक्टली बड़े जो हमारे बैठे हुए हैं इधर उधर उधर इधर कॉल करती है, कोच अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, कोच इस टाइप का। डिसअपॉइंटमेंट हैज कम इन द फॉर्म ऑफ मेंस वर्ल्ड सीरीज लीग। शी इज अनहैप्पी दैट नोबडी हैज थॉट अबाउट स्टार्टिंग अ वुमेन्स लीग। देखो टाइम बहुत गलत है, चलो अभी ओलंपिक्स क्वालिफाइंग होना इस टाइम में जो है नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस दिन मुझे पता लगा लड़कों की ये लीक हो रही है, तो मुझे, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि लड़कों की क्यों, मेरा सीधा क्वेश्चन उनसे यही था कि लड़कों की क्यों भाई, लड़कियों की क्यों नहीं। तो इन्होंने बोला लड़कियों की डिपार्टमेंटल टीमें कम है, अगर जो डिपार्टमेंटल टीमें कम है तो स्टेट की टीम उठा सकते हैं, लड़कियों के हम हमेशा सेकेंड वो क्यों देते रही, नहीं देना चाहिए। Like most sports persons, Pritam is also disappointed with the huge media exposure that cricket garners. She does feel that other sports, including hockey, should get their due. देखो क्रिकेट की आपने बात ही करती, वो भी एक स्पोर्ट्स है, बहुत अच्छा है, हमें अच्छी अच्छा लगता है, हमारी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप भी उठाया अभी, लेकिन इन सब के जिम्मेदार आप लोग भी हो, कुछ ना कुछ तो हैं, क्योंकि मीडिया जो है कहीं भी छोटा क्रिकेट मैच होता वहाँ तो रिकॉर्डिंग के लिए पहुँच जाएंगे और लाइव टेलीकास्ट आ जाता है, लेकिन हॉकी का आप इंटरनेशनल लेवल का मैच आएगा उसके रिकॉर्डिंग के लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आइए देखिए, पब्लिक को बुलाना पड़ता है। नेशनल गेम है, मैंने बताया ना, इसको हाईलाइट ज़्यादा करना पड़ेगा, हम लोग को इसको हाईलाइट ज़्यादा करना पड़ेगा। आप यहीं से देख लीजिए, अब जैसे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप हमारे पास सुविधाएँ देखें ना, आप क्रिकेट का एक प्लेयर रोड पे जाएगा, उसको 10 लोग देखने आते हैं, नेशनल लेवल का प्लेयर ही जाएगा, उसकी किट, उसकी हर चीज़ स्टार्टिंग से ही होती है। Nostalgia is a big part of a sportsperson's life after retirement. They relive those big moments, running it in their minds like it only happened yesterday.
Pritam Rani still remembers the 2002 Manchester Commonwealth Games where India struck gold. देखिए हमारा सबसे अच्छा गोल्डन मोमेंट तो 2002 में जब हमने गोल्ड लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में वो है, क्योंकि कॉमनवेल्थ में गोल्ड आना और इंग्लैंड में हुआ मैनचेस्टर में और उन्हीं की जमी पे हमने इंग्लैंड को हराना फाइनल में हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और हम लोग आपको फैक्ट बताते हैं, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारा गोल्ड आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो मैच लूज़ किए थे हम लोग सेकेंड मैच ही लूज़ कर गए थे और उसमें हमारा कोई सिस्टम नहीं था कि हम फाइनल पहुँच जाएंगे। जब हम वो मैच हम लोगों ने लूज किया तो हम बहुत नर्वस हो गए हमारी टीम, तो पता नहीं उस टाइम एक रूल आया था उसमें पूल की दो टीमें बनाई थी, जैसे चार चार की टीमें थी तो हमेशा दो दो टीमें उठाते हैं सेमीफाइनल के लिए क्रॉस कराते हैं, लेकिन उस टाइम तीन टीमें ले ली इधर से भी इधर से, हम अपने पूल में थर्ड थे। और जब हमें शाम को ये पता लगा भाई हम लोगों को भी क्वार्टर फाइनल के लिए जो है इधर से लिया गया, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब हम लोग न्यूजीलैंड से वो मैच खेले थे तो आपको फैक्ट बताती हूँ, हम लोग 3-0 से लूज़ कर रहे थे मैच और बरसात हो रही थी और इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम लोग की इच्छा बिल्कुल नहीं थी खेलने की। और जब मैच हाफ टाइम हुआ तो मेरे साथ वो सीता गोसाई अर्जुन अवाड़ी है वो मेरे साथ बैठ गई, मैंने बोला यार तीन गोल हम कैसे उतारेंगे, बोलती है यार है तो बहुत मुश्किल और टीम बहुत अच्छी है लेकिन उतारने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कैसे उतरें यार इतनी ठंड और हमारी लड़कियाँ तो खेल भी नहीं रही क्या करें, बोले खेलो यार कुछ तो करो। सेकंड हाफ में 10-15 मिनट भी निकल गए हमारे, लेकिन एक बॉल आई हमारे पास सेंटर लाइन से लेके प्लेयर गया उसने 25 से क्रॉस मारा और वो बॉल पे मैंने इतनी लंबी डाइव की कि वो बॉल गोल में डल गई और 3-1 का स्कोर हो गया। लेकिन मेरे को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि तीन गोल हम डाउन थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार 3-1 का, तो अभी टाइम तो 10-12 मिनट है, पता नहीं भगवान से शायद सच्चे दिल से हमने कुछ मांगा या क्या मांगा, उस टाइम हम लोगों के 10 मिनट के अंदर ही तीन गोल उतर गए और हमने चौथा गोल भी मार दिया, हम 4-3 से वो मैच जीत गए। और मतलब एक अंदर से वो हुआ ना कि अब हमें लग रहा था कि भगवान शायद हमारे साथ है, तो उस टाइम जो हमने जीत ली वो बहुत बड़ी जीत थी। इंग्लैंड के साथ जब हम लोगों ने फाइनल मैच खेला, इंग्लैंड की टीम की इतनी ट्राइयाँ हमारे ऊपर जा रही, इतनी ट्राइयाँ जा रही कि हम लोग सेव कर करके थक गए थे कि कैसे बचे इस टीम से। और इंग्लैंड टीम ने एक दिन पहले पेपर में निकलवा दिया था कि 6-7 गोल से हम ये टीम से मारेंगे, काफ़ी वीक टीम है। और वाकई में इंग्लैंड हमसे बहुत अच्छी थी, नो डाउट। पता नहीं क्या हुआ, हम उन्होंने हमारे ऊपर एक गोल किया, हम लोगों ने उतार दिया, हमारी एक ही बॉल गई और हमने गोल मार दिया, 1-1 ड्रॉ हो गया, मैच गोल्डन गोल पर चला गया। अब गोल्डन गोल पर जो है मार देते हैं गेम वही ख़त्म हो जाता है। एक बॉल शॉर्ट कॉर्नर मैं लेके जा रही थी, मेरे को पीछे से 3-4 लड़कियों ने गिरा दिया, पेनल्टी कॉर्नर मिल गया और पेनल्टी कॉर्नर पे हमारी बॉल पे हिट लगी और जैसे ही गोल लाइन पे बॉल पड़ी थी वो ममता ने बॉल अंदर डाल दी, गोल्डन गोल में हम लोगों ने गोल कर दिया। और मतलब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमने गोल ले लिया, मतलब पता नहीं सकती उस टाइम क्या मोमेंट थी। एक साउथ अफ्रीका की लड़की है पीटर, मेल्स में मेरे को इंडिया का धनराज पिल्ले, सीता गोसाई गुड प्लेयर, हॉकी टीम को यही सपना दिखाया कि आप इंडिया के लिए जो वो खेलना है और इंडिया में ओलंपिक्स के लिए मेडल देना है। एकेडमी को जो है मेरी को, मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर जो 4-4, 5-5 लड़कियाँ इंडिया में खेलती रहे, मेरा कंट्रीब्यूशन इतना ही है। बहुत ही अच्छा लगता था, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। बड़ा ही दुख लगता है। मैं अगला जन्म लूंगी तो मैं फिर हॉकी में काम करना चाहूंगी। इन सोनीपत, प्रीतम रानी सिवाच।